सीएनजी की कीमत में उछाल और एनडीए की सरकार, कैसा मजा लग रहा है? मजा क्या लगेगा सर, भूखा कल भी मर रहे थे, भूखा आज भी मर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि भारत महान राष्ट्र बने, हम भी भारत के नागरिक हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हमने भी ठाना है कि अमृत महोत्सव में 13-14 जो भी है झंडा लहराएंगे, लेकिन लहराए कैसे, जेब में पैसे नहीं है। पहले 10 रुपये की टोक टाइम, 50 रुपये के पेट्रोल, दिन भर लोग मजा लेते थे, महीना दिन जैसे न रिचार्ज है फिर भी मजा लेते थे। आज अच्छे दिन आ गए, अब 99 रुपये का रिचार्ज कृपया तो आपको मोबाइल चालू होगा ना तो मोबाइल बंद हो जाएगा। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, पाट पुरसा पर जैसे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे शासन व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं है। सीएनजी का दाम बढ़ गया, कहाँ 60 रुपये से ले जाके 95 रख दी। आटा जो खाते थे 32 रुपये किलो, अभी हो गया 40 रुपये किलो। कि जो पुराने जो शादीशुदा आदमी है उनको तो बाल बच्चा होना था, हो गया, लेकिन नया जो शादीशुदा होंगे उनका बाल बच्चा नहीं होगा। होगा ना, तो नया जब सीएनजी जब आया तो उनको परमिट क्यों नहीं दे रहे हैं? बढ़ती महंगाई से जहां आम जनमानस परेशान हैं, बेहाल हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे में बहुत पहले एक गाना आया था और लोगों ने बहुत सुना भी था, और वो गाने के बोल अब सत्य साबित हो रहे हैं। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, बच्चों की पढ़ाई मार रही है, मगर आप लोग तमाम ऑटो चालक हैं, सीएनजी भराई कैसी लग रही है? भाई साहब, इन नरेंद्र मोदी की दवाई मार रही है। अच्छा। ये पता नहीं कौन सा मिलियन और ट्रिलियन का वो बनाना चाह रहे हैं, और दिखता ही नहीं है उनको कि पूरे भारत का आदमी इस महंगाई से त्रस्त है। हम भी चाहते हैं कि भारत महान राष्ट्र बने, हम भी भारत के नागरिक हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हमने भी ठाना है कि अमृत महोत्सव में 13-14 जो भी है झंडा लहराएंगे, लेकिन लहराए कैसे, जेब में पैसे नहीं है। अब झंडा खरीदने जाते हैं तो बोलता 250 का है, 300 का है, 400 का है, तो भाई साहब एक गरीब आदमी 400 का झंडा कैसे लहरा लेगा अपने घर पे, वो भी घर किराए का है। सीएनजी तो 95 रुपये कुछ पैसे का है ना, अभी तो उसी पे आ रहा हूँ। सीएनजी का उन्होंने बोला कि भाई सीएनजी चला लो, आपका किस्मत बदल जाएगा। आज डीजल और सीएनजी में कोई अंतर नहीं है, 1 रुपये का अंतर है। आपने मेरा 80,000 रुपया लगवा दिया, अंतर रखा बस 1 रुपये का, कोई माइलेज नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। अब तो क्या कहें, अब फिर वही आ गई कि सैया तो बहुते कमात हैं और महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अच्छे दिन और ये डाइन नहीं खा रहे हैं, ये हमारे नरेंद्र मोदी का भारत को जो मिलियन डॉलियन इंजन बनाने का जो सपना है वो अंडानी और अंबानी का, भारत को नहीं बना रहे हैं वो, एक कुछ करोड़पति लोग के अंडर में काम कर रहे हैं। देखिए सर, पैकेट तो ढीला हो ही रही है, दूसरे नंबर में 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लग करके सीएनजी लोग भरवाता है। इसके बाद जिस समय सीएनजी आई थी 60 रुपये 61 रुपये के आसपास में थी, आज 95 रुपये सीएनजी हो गया। दूसरे नंबर ये तो सरकार है कि आदत लगाता है, आदत लगा दिया कि भाई सीएनजी से बहुत ऑटो वाले कमाएंगे, बहुत ऑटो वाले कमाएंगे, उनका घर परिवार चलेगा। आज जो स्थिति है, आप पंप पे जा कर के बाजार से 13-15 रुपये हम लेते हैं और 13 रुपये वो लेते हैं। आज जो स्थिति है, आप पटना में हर जगह पे चले जाइए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रही है, सिटी बस चला रही है, ऑटो से बोलता है कि ऑटो के परमिट, पैसा कमा रहे हैं या नहीं, सुनिए ना सर मेरी बात तो पहले सुनिए। तो आप जो कमा रहे हैं वो आप देख रहे हैं, अगर एक दिन आप पंप पे खाली लाइन में जाके खड़ा होकर के देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा कि ऑटो वाले कितना कमा रहा है। बिहार के नेता है ना, वो देख रहा है लाइन में जो गैस नंबर लग रहा है ना, वो देख रहा है कि क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है, वो देख रहा है। आज ऑटो वाले राजा बाजार से पटना जंक्शन के 15 रुपया ले रहा है, और सरकार को जो सीएनजी बस नई नई गाड़ियां जो लग्जरी निकाली है वो 13 रुपया ले रही है। तो आप बताइए कि जो या गरीब आदमी जिएगा कि सरकार जी रहा,
क्योंकि मेरा पैसेंजर जो मेरा पैसेंजर था उसने सरकार पैसेंजर को टर्न ओवर कर लिया। जो ऑटो से पैसेंजर आता था स्टेशन उसको आज 13-2 रुपया कम को लोभ दे करके वो ऑटो का तो मतलब अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं, तो अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं सर ना, एकदम अच्छे दिन आ रहा है ना। आज जो बाइक वाले बाइक छोड़ करके अब बस से सफर क्यों कर रहे हैं जाम जुम में, क्योंकि वो अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि उनको जब जाते हैं ना वहाँ पहले 10 रुपये की टोक टाइम, 50 रुपये के पेट्रोल, दिन भर लोग मजा लेते थे, महीना दिन जैसे ना रिचार्ज है फिर भी मजा लेते थे, आज अच्छे दिन आ गए। अब 99 रुपया का रिचार्ज की रुपया तो आपको मोबाइल चालू होगा ना तो मोबाइल बंद हो जाएगा। देखिए कमीनी तो पहले की अपेक्षा बराबर है, बाकी महंगाई इतनी बढ़ गई है, पार्ट पुरसा पर जैसे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे शासन व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं है। जो वासर हम लोग 50 पैसा में लेते थे आज वहाँ जाइए तो आपको 10 रुपया भी ले लेगा। मतलब हम लोग का पार्ट्स इतना महंगा हो गई है कि जिसका हिसाब नहीं, मतलब हम लोग राम भरोसे जी रहे हैं। पहले पत्नी 100 रुपया लेती होगी, अब महंगाई आ गया तो 200 भी मांगती होगी। अरे पत्नी लात मार के भगा देता है। रहेगा सर तब ना लेगा, 100 रुपये तो कमाते ही है। अच्छा मैं अगर पूरे दिन में 700 रुपया कमाता हूँ तो 350 का गैस भराता हूँ, 100 रुपया खाना वाना में हो जाता है, 250-200 रुपया घर लेके जाता हूँ। अब तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एक एक माने ऑटो चालकों का, अब तो पत्नी कहीं निकल जाएगी या बाल बच्चा भीख मांगेंगे या मकान मालिक घर से निकाल लेगा। हम लोग यहाँ किरदार है, मेरा अपना मकान है नहीं। पत्नी को आप पे भरोसा है? भरोसा होगा, कमाएंगे तब ना। खुश हैं समझे कि नहीं? पुल बड़ी बड़ी पुल बन गई समझे कि नहीं? खाली पुल बना देने से, रोड बना देने से थोड़ी हो जाएगा, बेरोजगारी तो वही है। हम लोग अभी भूखे तो मर ही रहे हैं ना। सीएनजी का दाम बढ़ गया, कहाँ 60 रुपये से ले जाके 95 रख दी। आटा जो खाते थे 32 रुपये किलो, अभी हो गया 40 रुपये किलो है, 32 से 40 तक के बाद हो गया है समझे कि नहीं? हम लोग का गाड़ी सुबह 7 बजे मिलता है चलाने के लिए समझे, उसमें 3 घंटा हम लाइन में लग जाते हैं तो 11 बज जाता है गैस लेकर, 11 बजे 4 बजते-बजते गाड़ी मालिक को जमा दे देना पड़ता है। तो सोचिए कि 4-5 घंटे तो दिल्ली में भी लगा करता है, बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने तो कहा कि परेशानियां तो दिल्ली में भी लोग लाइन लग करके दिल्ली के भी लोग यहां आते हैं तो कहते हैं कि भैया आप लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, वहां तो इतनी लाइन नहीं लगती है और वहां जो है CNG का रेट बहुत कम है। आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, हम थोड़े सुनेंगे उनकी बात को समझे कि नहीं? हम जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली नहीं रह रहे हैं, हम बिहार में रह रहे हैं तो हम बिहार की बात करेंगे समझे कि नहीं? अच्छा, तो ये बात आप लोग किराया बढ़ाइएगा या नहीं? CNG की कीमतें लगातार बढ़ रही है, आपने ही कहा। अब तो भाड़ा बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो हमारे अध्यक्ष जो पप्पू जी नेता जो हैं हमारी कमेटी का जो हैं वो लोग सब निर्णय लेंगे, विचार विमर्श हो रहा है आप वही लोग जैसे कहेंगे आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि आप लोग ही कहेंगे सजेस्ट करेंगे तो आप लोगों की जो यूनियन के नेता हैं वो बातों को रखेंगे। हम लोग का यही राय है कि जो किराया तो सर 100% बढ़ना चाहिए। कितना? क्योंकि मतलब स्टॉपेज पे 2 रुपया ज्यादा नहीं, 2 रुपया, क्योंकि देखिए हमें पब्लिक को भी देखना, अपना भी जेब भरना, दोनों आदमी को मिला के चलना। अब ये नहीं कि ऐसा एक बार हम जैसे 5 बढ़ा दे तो मालूम पड़ा कि मेरा कस्टमर CNG की कीमत में उछाल और NDA की सरकार, कैसा मजा लग रहा है? मजा क्या लगेगा सर, भूखा कल भी मर रहे थे, भूखा आज भी मर रहे हैं। CNG आ गया, CNG में सर क्या है, 3 घंटा लाइन के लिए, 4 बस 3 घंटा, 3 घंटा ज्यादा हो सकता, कम नहीं ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं। ड्राइवर लोग आते हैं तो भाई 4 बज गया, ड्राइवर की गाड़ी चाहिए तो 2 टाइम गाड़ी चलती है, किस्त वाली गाड़ी है तो मालिक 2 टाइम नहीं चलवावेंगी तो किस्ती कहाँ से देगी? तो ड्राइवर पेट का मारा हुआ, बाल बच्चा पटना शहर में किराए में रहते हैं सर। कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में ऑटो चालक परेशान बेहाल हैं और कुछ लोग और हैं। चलिए पगड़ी बांध रहे, बांध लीजिए पगड़ी, बांधने तब ना उनको समझ में आएगा कि महंगाई। गजब गजब, अभी के बारे में पूछ रहे हम CNG के बारे में पूछ रहे हैं, हम आपके दर्द को जानना चाह रहे हैं, हालांकि दर्द में हम भी हैं, महंगाई हमको भी सता रही है। किसी ने अभी कहा कि महंगाई डाइन की तरह लगती है, खैर हम तो देखे नहीं। आप बताइए CNG का कीमत बढ़ रहा है, आप लोग ऑटो चालक हैं, नीतीश कुमार जी NDA की सरकार चल रही है,
नीतीश कुमार जी का सरकार चल रही है, सीएनजी गैस के लिए डीजल गाड़ी बंद कर दिया गया, ठीक है। बंद करने के बाद में भी नई सीएनजी को जो नया गाड़ी आया है अभी तक तो परमिट नहीं दी है। दूसरी बात कि जितने भी पेट्रोल पंप पे जो सीएनजी कन्वर्ट है जिस पे हम लोग गैस लेने जाते हैं, घंटा आधा घंटा नंबर लग के तो खैर गैस ले लेते हैं, 8 से 10 रुपया एक्स्ट्रा भी पैसा लिया जाता है इसके लिए। महंगाई नहीं है इसलिए, महंगाई नहीं है इसलिए 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया से भी अधिक ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है यह कि सीएनजी ख़त्म हो जाता है, एलपीजी वहाँ से छोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग का गैस का मतलब कि 400-500 रुपया का जो नहीं खाता है उतना उतना तक डलाना पड़ा, ठीक ना। पहले हम लोग बीच में भी हल्ला किए थे कि नीतीश कुमार जी के यहाँ ये फालतू गैस गया 2 लीटर तो नीतीश जी के घर गया, गलत गया, हमने गलत बोला इस बात को कि 2 लीटर गैस ज़्यादा आटा तो गलत हुआ। वो हमने उनको पता चला है कि सीएनजी जब रहता है तो उसका माइलेज और मीटर सही बताता है, जब एलपीजी छोड़ दिया जाता है वहाँ से तो एलपीजी छोड़ने के बाद यहाँ पर गैस मोटा हो जाता है और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है और उतना मतलब कि किलोमीटर भी नहीं चलती है। तो सरकार क्या कह रहा है, 5 लाख रुपया जो हम लोग डीजल गाड़ी बंद हुआ, 5 लाख रुपया कर्ज लेके और जो सीएनजी लिए हैं और जो कहने का मतलब यह है कि उनको परमिट नहीं दिए, तो ये मान लिया जाए कि जो पुराने जो शादीशुदा आदमी हैं उनको तो बाल बच्चा होना था हो गया, लेकिन नया जो शादीशुदा होंगे उनका बाल बच्चा नहीं होगा, होगा ना। तो नया जब सीएनजी जब आया तो उनको परमिट क्यों नहीं दे रहे, परमिट क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे नीतीश जी को सोचना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरा झंडा लेके आदमी दौड़े मेरे पक्ष में रहे, लेकिन वो तो टोटल काम विपक्ष काम कर रहे हैं। किराया क्या बताएं भैया, वहाँ लुटाई हो रहा है तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो दर्द में भींग रहे हैं। सर बिहार की जनता की क्षमता नहीं है कि इस महंगाई में हमारा ऑटो का किराया दे पाए, हमको मुकाबला करना है। जो बिहार सरकार नया नया गाड़ी लाई है और जो हमारे 2 रुपये के मुकाबले में अब हम लोगों ने सोचा है कि वो 2 रुपये बढ़ा रहे हैं ना, हम अपना किराया उनसे 2 रुपया कम कर लेंगे। अच्छा, कम कर दीजिएगा या तब उनसे मुकाबला मानेंगे और लोग नहीं मानेंगे। नेताजी आप काली बजा लीजिए भाई, जो हमने बोला चाली बजा लीजिए। मैं पूरे पूरे वाइड एंगल से दिखा दीजिए, हम अपने कैमरामैन प्रकाश से कहेंगे 2 रुपया अगर ये किराया घटाएंगे तो आप नगर निगम के किराए से 2 रुपया किराया कम कर लूंगा। आप लोग चाली बजा लीजिए। खैर, जिस तरीके से सीएनजी की कीमतें लगातार उछाल खा रही है, आम जनमानस के साथ साथ तमाम जो सीएनजी किट लगाकर ऑटो चला रहे हैं उनका भी दर्द जो है वो सरकार को समझना चाहिए और आगे का जो कार्रवाई है जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पट्टा।